जब पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं तो कुछ ख्वातीन को 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद इवन कंप्लेन डेवलप हो जाती है कि हमें पीरियड्स फिर आने शुरू हो गए हैं या फिर उन्हें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जब ऐसा कोई इशू हो तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये परेशानी की बात हो सकती है। जब बच्चेदानी की लाइनिंग का कैंसर होता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, एपिसोड्स हैवी होती हैं, लाइक जिस तरह पीरियड्स आते हैं उतनी ब्लीडिंग फीमेल को होना शुरू हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो सर्जरी की तरफ चले जाते हैं, यानी बच्चेदानी रिमूव करनी पड़ती है, क्योंकि ये अर्ली साइन ऑफ कैंसर हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं उमर हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर लाहौर जोहर टाउन ब्रांच में बैठती हूँ और मेरी टाइमिंग 6 to 8 है। हमारी जो ख्वातीन हैं जो 50 साल से ऊपर हैं, उनके जो ब्लीडिंग के इश्यूज़ हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। जो एवरेज एज ऑफ मीनोपॉज है, मीनोपॉज से मेरी मुराद है कि पीरियड्स के बंद हो जाने की एवरेज एज जो है वो 50 to 52 है, ठीक है। सो 52 साल की उम्र तक मैक्सिमम पीरियड्स ख़त्म हो जाने चाहिए। जब पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं तो कुछ ख्वातीन को 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद इवन कंप्लेन डेवलप हो जाती है कि हमें पीरियड्स फिर आने शुरू हो गए हैं या फिर उन्हें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जब ऐसा कोई इशू हो तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये परेशानी की बात हो सकती है। ये किन औरतों में हो जाता है, इसमें कॉमन कॉजेज क्या हैं, क्या इसकी अलामत मज़ीद क्या होती हैं, आपको आज इसके बारे में। डिटेल में बताते हैं। इसमें कॉमन कॉज जो होता है वो होता है कि जो बच्चेदानी है उसकी जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम है वो बढ़ जाती है। वो या तो आम तौर पे या आम हाइपरप्लेसिया उसको हुआ हुआ है, या फिर ये कैंसर की अर्ली अलामत में से हो सकती है, या फिर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो गया है उसमें ये अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं कि ब्लीडिंग हो जाती है। जब बच्चेदानी की लाइनिंग का कैंसर होता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, एपिसोड्स हैवी होती हैं, लाइक जिस तरह पीरियड्स आते हैं उतनी ब्लीडिंग फीमेल को होना शुरू हो जाती है। और जो बच्चेदानी के मुंह यानी सर्विक्स का कैंसर होता है उसमें यूजुअली फीमेल्स कहती हैं कि हमें गंदे पानी की शिकायत है, बहुत स्मेल वाला आता है, साथ में ब्लड आता है, तो वो भी ख़तरनाक चीज़ है। तीसरी चीज़ ये होती है क्योंकि औरतों के हार्मोन ख़त्म हो चुके होते हैं तो एट्रॉफिक यानी खुश्क हो जाती है हर चीज़, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। वो ख़तरनाक मसला नहीं है, उसके लिए कुछ क्रीमें होती हैं वो इस्तेमाल करें तो उसके बाद ठीक हो जाता है। अब जो करना क्या होता है, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपका एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, आपकी लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी लेंथ का पता करते हैं, और उसके बाद उसका पीस लिया जाता है, आपका एग्जामिनेशन किया जाता है सर्विक्स को देखने के लिए, और उसके अकॉर्डिंगली आपको बताया जाता है कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। यूजली ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो सर्जरी की तरफ चले जाते हैं, यानी बच्चेदानी रिमूव करनी पड़ती है, क्योंकि ये अर्ली साइन ऑफ कैंसर हो सकता है। और अगर आपकी जो पीस लेके उसकी रिपोर्ट आ जाए कि ये कैंसर नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स को दवाइयाँ दी जा सकती हैं जिससे ये सप्रेस किया जा सकता है सारा सिलसिला। लेकिन उन दवाइयाँ देने के बावजूद भी 6 मंथ्स के बाद पेशेंट की दोबारा एवेल्युएशन अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी या फिर पीस लेके दोबारा एवेल्युएशन करनी पड़ती है। ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है, तकरीबन 10 में से कोई एक फीमेल जो कि 50 साल से ऊपर होती हैं उनको ये मसला चल रहा होता है। ये सीरियस हेल्थ इशू है, इसको आप नोटिस करें तो फौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं। होपफुली आपको इस सेशन के बाद इंफॉर्मेशन मिली होगी और आप किसी कंसर्न बंदे को बता सकती हैं कि वो कब कंसल्ट करें डॉक्टर को। थैंक यू।